ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ अपावी थी। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। प्रणेश्वर अक्षरातीत ने हमें जो परम धाम की ये वाणी है दी है उसका एक अंग है प्रकटवाणी। प्रकटवाणी का अर्थ क्या है? अक्षरातीत के हृदय कमल से जो वाणी प्रकटती है उसको कहते हैं प्रकटवाणी। सारा संसार कहाँ भटका हुआ है? पुरुष और प्रकृति में। पुरुष प्रकृति उलंग के गए जाए अखंड सुख माहे रहे। केवल अक्षर की पंचवासनाएं हुई हैं, सुखदेव हुए, सनकादिक हुए। सनकादिक क्या है? चार छोटे छोटे भाई हैं, पांच पांच साल की अवस्था के, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम परमात्मा का भजन करो और शिष्ट को बढ़ाओ। चारों बच्चों ने कहा कि पिताश्री हम आपकी एक बात मानेंगे एक बात नहीं मानेंगे, हम सृष्टि की वृद्धि तो में योगदान नहीं देंगे, हम केवल परमात्मा की खोज करेंगे। और पाँच साल की अवस्था में चारों भाई घर छोड़ करके निकल पड़ते हैं। ये शिष्ट का प्रारंभिक काल है। उनकी माँ नहीं थी, ब्रह्मा जी ने संकल्प मात्र से उनको पैदा किया। संकल्पिक शिष्ट के माने जाते हैं। कबीर जी को आप जानते हैं, विष्णु भगवान को आप जानते हैं और शंकर जी को भी आप जानते हैं। विष्णु भगवान जिसको क्षीर सागर कहते हैं, क्षीर सागर अर्थात मानसरोवर की झील। क्षीर कहते हैं दूध को, बर्फ का रंग दूध के समान सफेद होता है। आज भी आप मानसरोवर की झील में जाइए तो उसका पानी जाड़े में तो बिल्कुल बर्फ की तरह जमा रहता है, गर्मी में भी पूरी तरह श्वेत दिखाई देगा। उस मानसरोवर झील में विष्णु भगवान तप करते हैं, ध्यान अवस्थित होते हैं। और जैसे कहा जाता है ना कि शेष नाग की सैया बना करके लेटे रहते हैं, ये सब कुछ अलंकारिक है। जो आपको चित्रों में दिखाया जाता है वो वास्तव में नहीं है। सोना किसको कहते हैं? जिसमें स्वयं को भुला दिया जाए। आदि नारायण शेष नाग की सैया पर लेटे रहते हैं, ये पौराणिक आख्यान है। शेष कहते हैं शून्य को, शून्य कहते हैं निराकार को, निराकार कहते हैं प्रकृति को, कारण प्रकृति को। मोह सागर में जो अक्षर का मन जो अव्याकृत है स्वयं को नारायण के रूप में देखने लगता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? शेष अर्थात शून्य में शयन करने वाला। आपो नारा इत पुक्ता आपो वै नर सुनवा ता यदस्यनमित नारायण इत स्मृता। नारायण किसको कहते हैं? जो मोह सागर में शयन कर रहा है। इस सृष्टि के कणकण में आदि नारायण की चेतना वैसे ही है जैसे हमारा शरीर। क्या होता है? 6 फीट का आपका शरीर है और आपका जीव कितना बड़ा है? बाल की नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं उससे भी छोटा आपका जीव है। और इतना छोटा सा जीव आपके हृदय में रहता है, आपके पैरों में भी चेतनता है, सिर में भी चेतनता है। जब ये शरीर से बाहर निकल जाए तो इसको काटिए आग में जलाइए कोई अंतर नहीं पड़ता, पूरा शरीर जड़ हो जाता है। उसी तरह से अक्षर क्या है? अक्षरातीत के सतंग है। और अक्षर का मन क्या है? अव्याकृत। अव्याकृत इस मोह सागर में अपनी सत्ता से प्रतिबिंबित हो रहा है। तो परिणाम क्या होता है? सारा संसार समझता है कि यही तो परमात्मा है, सारी दुनिया यही आकर के थक जाती है। ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट जानी। 6 शास्त्रों को बनाने वाले कितने महान बुद्धिमान थे, आप 6 दर्शनों को पढ़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको रचने वाले रितंबरा प्रज्ञा प्रसूत थे, इनके अंदर महान प्रतिभा थी। न्याय दर्शन पढ़िए तो क्या लगेगा, कितने तर्क है। संसार की सभी समस्याओं का समाधान न्याय दर्शन में है, वो तो एक दर्शन है। और ये वेद के अंग भी नहीं, उपांग कहलाते हैं। चारों वेदों का ज्ञान नारायण के हृदय से प्रकट होता है। जिस तरह से हम आसानी से सांस लेते हैं उसी तरह से नारायण की श्वासों से निकलने का तात्पर्य क्या है? अक्षर की ज्ञान धारा
जो अव्याकृत में निहित रहती है वह नारायण के हृदय से शिष्ट के कल्याण के लिए प्रकट होती है। और उसी वेद को पढ़कर इस संसार के ऋषि मुनि योगी यति अवतार सत्य असत्य का निर्णय करते हैं कि हम परमात्मा के बारे में क्या जानते हैं। आज आप सारे भारतवर्ष का भ्रमण कराइए, मैंने देखा है, गंगोत्री में भी जाकर देखा है, बद्रीनाथ में भी देखा है, जगन्नाथपुरी में भी देखा है, द्वारिका में भी देखा है, हाँ रामेश्वरम नहीं देखा है। उत्तर भारत के अधिकतर तीर्थ स्थानों में मैंने देखा है, अयोध्या से वृंदावन से लेकर। आप पूरे संसार में भ्रमण कराइए, जब भारत की धरती पर यह हाल है तो यूरोप अमेरिका में क्या होता है? आपके पास कुछ पैसा हो जाए तो आज का युवा क्या सोचेगा कि हम स्विट्जरलैंड घूम आए। स्विट्जरलैंड जाने पर क्या दिखेगा जानते हैं? अच्छी सी बर्फ की चोटियां दिखेंगी, खूबसूरत चेहरे वाले सुंदर लोग दिखेंगे, पैसे वाले लोग दिखेंगे, बस यही दिखेगा। कोई आपको ये नहीं बताने वाला होगा कि ये संसार कैसे बना, किससे बना, और जब संसार का लय होगा तो कहाँ जाएगा। बड़े से बड़े पादरी के पास, बड़े से बड़े मौलवी के पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है। प्रकटवाणी का मैं पहले ही कह दिया कि अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख संया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन पसरसी चौधरी भवन। लीला को जाहिर करने वाला कौन है? वह स्वयं अक्षरातीत है, जिसके लिए कहा गया है कि ए बानी चितते सुनियो साथ, कृपा करके कहे प्राणनाथ। इस प्रकटवाणी को कौन कह रहा है? वह प्राणनाथ। और वह प्राणनाथ कौन है? एक क्यूकर जिन जानो मन, श्री धनी जी लाए धाम से वचन। स्वयं अक्षरातीत जो हमारी आत्मा के प्रीतम है, प्राणनाथ है, इस रहस्य को स्पष्ट करने जा रहे हैं। आपने शुरू में ही चौपाई सुनी, ना ईश्वर न मूल प्रकृति, तादिन की कहूं अपावी थी। उस समय की बात कह रहे हैं, न ईश्वर नहीं थे, मूल प्रकृति नहीं थी। अब सारा संसार किस पर आश्रित है? ईश्वर पर। ईश्वर किसको कहते हैं? वैसे तो तारतम्य ज्ञान के बिना, चाहे कितना भी कोई बड़ा विद्वान हो जाए, छह दर्शन पढ़े, छह अंग पढ़े, चारों वेद पढ़े, वो क्या कहेगा? क्षर को ही अक्षर मानेगा और अक्षर को ही अक्षरातीत मानेगा। क्षर अक्षर अक्षरातीत में कोई भेद कर ही नहीं सकता। वेद में एक प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको सरल भाषा में सारी बातें बताने का प्रयास करूंगा राज्य की कृपा दृष्टि से। एक तालाब है और उसमें एक बेत का पौधा है, इस पहली का अर्थ बताइए। तालाब क्या है? अक्षरातीत। और वेद का पौधा क्या है? अक्षर। ये पहली है। वेद कहता है कि इस रहस्य को कौन जानता है? केवल परमात्मा ही जानता है कि तालाब क्या है और उसमें खड़ा हुआ वेद का पौधा कौन सा है। परम धाम का वो प्रेम और आनंद से भरा हुआ वह सरोवर जिसमें वेद का पौधा उगा हुआ है, जो देखने योग्य है, इस रहस्य को कौन? केवल अक्षरातीत ही जानते हैं। वाणी कहती है, हक तरफ जाने नूर अक्षर और दूजा न जाने कोई, पर बातून शुद्ध तिनको नहीं, हक इलम दिखावे सो। अक्षरातीत की पहचान किसको है? केवल अक्षर ब्रह्म को है। अक्षर के अतिरिक्त अक्षरातीत के बारे में कोई नहीं जानता, ग्रंथों में लिखा हुआ है। गीता भी कहती है, सब लोग जानते हैं, उसके श्लोक बार बार आप सुनने को मिल आपको मिलता है कि यस्मात अक्षरात अतीत, यस्मात क्षरात अतीत हो अक्षरात अभिचूतम, जो क्षर से परे अक्षर है और अक्षर से परे कौन है? उत्तम पुरुष अक्षरातीत। कई संत साहित्य में भी अक्षर अक्षरातीत का वर्णन मिलता है, लेकिन जानते हैं वे नारायण को ही अक्षर मान लेते हैं, और अक्षर की जो चतुष्पाद विभूति है, बेहद मंडल योग माया का ब्रह्मांड, उसी को परम धाम मान लेते हैं। वेद भी कह देता है कि त्रिपादुर द्वैत पुरुष, लेकिन कहाँ है वो परम धाम, उसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। वेद को पढ़ने वाले भी नहीं जानते, और तो और जिस आदि नारायण के मुख से चारों वेदों का प्रकटन हुआ है, नारायण को भी पता नहीं है इसका रस। त्रिपाद उर्द उदयत पुरुष पादस्य अवत पुनः, इसका अर्थ किसी को नहीं मालूम है। शब्दों का अर्थ कोई भी कर लेगा। आप सुंदर साथ को परम धाम की वाणी घर बैठे मिली है, इसलिए आपको इसकी कीमत का पता नहीं है।
इसकी गरिमा कौन जानते हैं? वो आदि नारायण। फिर ये जहाँ थे नारायण, नाम धरैया निगम, शून्य पर न ले सके हटके कहे अगम। नारायण को जिस क्षण पता चलेगा कि इसके परे बेहद मंडल है, उसी क्षण महाप्रलय हो जाएगा। नारायण के मुख से ही सारे मंत्र निकले हैं, नारायण के हृदय से वो ऋषियों, चार ऋषियों के अंदर आए। नारायण के हृदय में अव्याकृत की ज्ञान धारा विराजमान होती है, लेकिन नारायण अपने शुद्ध स्वरूप में तो नहीं है। नारायण क्या है? जैसे आप सपना देखते हैं, सपने देखते समय आप क्या करते हैं? आप कई चीज पढ़ भी लेते हैं, कई चीज जान भी लेते हैं, लेकिन सही निर्णय नहीं कर पाते क्योंकि आप निद्रा में हैं। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म का मन जो अव्याकृत है, उसके महाकारण में आदिनारायण का मूल स्थान है। अव्याकृत का महाकारण, सबलिक का स्थूल, दोनों एक ही स्वरूप मानिए, और उसमें चारों वेदों का अखंड स्थान आए। इसलिए वेद के रहस्य को कौन जानता है? केवल अक्षर जानते हैं। समाधि अवस्था में जब ऋषि मुनि बैठते हैं तो परमात्मा की जितनी कृपा होती है केवल उतना ही जान पाते हैं। चारों वेदों के 20,414 मंत्रों का अर्थ तो कोई भी विद्वान कर लेगा, लेकिन एक एक मंत्र का रहस्य जानने में या 8-10 मंत्रों के सूक्त का भाव जानने में पूरा जीवन ऋषियों का बीत गया, तब उसका वास्तविक रहस्य समझ में आया। विश्वामित्र जैसे ऋषि को केवल एक गायत्री मंत्र का समाधि में साक्षात्कार हुआ कि वास्तव में गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। तो व्याकरण पढ़कर, निरुक्त पढ़कर जो वेदों का अर्थ कर लेते हैं, शब्दार्थ जानते हैं, रहस्य को नहीं जानते। मैंने वही कहा कि फिरे जहाँ थे नारायण, नाम धराया निगम। वेद वैदिक साहित्य कह रहा है कि नारायण को भी निराकार से परे का भाव नहीं है। वाणी कहाँ से? आपकी प्रकट वाणी में जो मूल बात बताई जा रही है कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ अपावीति। जब आप बीतक सुनते हैं, बीतक में एक प्रसंग आता है, श्री जी सूरत में वेदांत पर चर्चा कर रहे होते हैं, भीम भाई श्याम भाई श्री जी के चरण में आकर के बीतक सुनते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो वेदांत के गहन विषयों पर चर्चा हो रही है। दोनों की अंतर्दृष्टि श्री जी की कृपा दृष्टि खुल जाती है और दोनों आपस में वार्ता करते हैं कि हमने तो सारा जीवन वेदांत पढ़ने में लगा दिया, लेकिन यह नहीं जान पाए कि परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है पुरुष प्रकृति से परे है। हमने इस प्रकृति के कणकण में जिस पुरुष को देखा है वो तो प्रतिबिंबित स्वरूप है, वो सबल ब्रह्म है, और इस सबल ब्रह्म से जिसको आदि नारायण आप कहते हैं वेदांत की भाषा में, उसको सबल ब्रह्म कहते हैं, और पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में उसको प्रणव ओंकार कहा गया है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, आजकल बाथरूम में बड़े बड़े ऐसी दर्पण लगाने का रिवाज चल गया है, 6-6 फीट 5-5 फुट के दर्पण लगाए जाते हैं। उसके सामने आप खड़े होकर अपने को देखिए, आप किसको देख रहे हैं? अपने शरीर को देख रहे हैं। आप जो हैं उसको देखने के लिए तो समाधि में बैठना पड़ेगा। दर्पण में आपके शरीर का प्रतिबिंब झलक रहा है, आप हंसेंगे तो दर्पण वाला स्वरूप भी हंसता हुआ नजर आएगा, आप रोएंगे तो दर्पण वाला स्वरूप भी रोता हुआ नजर आएगा, आपके चेहरे पर तिल आ जाए दिखे, तिल है तो दर्पण में भी तिल दिखेगी। उसी तरह से शिष्ट के कणकण में उसी आदि नारायण की लीला चल रही है, और आदि नारायण किसके प्रतिबिंब के स्वरूप है? अव्याकृत जो अक्षर का मन है उसका प्रतिबिंबित स्वरूप ही आदि नारायण है। किस प्रकार से? जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया, आप स्नान घर में अपने दर्पण में अपने को, अपने शरीर को देखते हैं, उसी तरह से सपने में आप यहाँ दाहोद में सो गए, सोते सोते आप सपने में बम्बई चले गए, बम्बई देखने लगे। आपका जैसा रूप रंग है वैसा ही रूप रंग वाला व्यक्ति बम्बई में खड़ा हो जाता है। आप तो कमरे में सो रहे हैं लेकिन आपका प्रतिबिंब कहाँ चला गया? बम्बई। आपके मन की तरंगों ने आपका रूप धारण कर लिया, वैसा ही चेहरा है जो आप कमरे में सो रहे हैं, वैसा ही कपड़ा पहने हैं, बम्बई में भी वैसे ही दिख रहे हैं,
आपकी सोच भी सारी वैसे ही दिख रही है। आपका बिंब असल रूप कहाँ है? दाहोद में। प्रतिबिंब कहाँ चला गया? मुंबई में। उसी तरह से अव्याकृत का प्रतिबिंब क्या पड़ गया? आदिनारायण। आदिनारायण सोचता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कपड़ा बेचने वाला दिन भर कपड़ा बेचता है तो सपना भी देखने लगता है, क्या करता है? कपड़ा ही बेचता है। जो लोग चर्चनी को बार बार दूर आते रहते हैं वो सपने में भी बड़बड़ाते रहते हैं, इतने हाँस की ये दीवाल है, इतने हाँस की ये का ये थंबा है, लंबाई चौड़ाई सो रहे हैं, लेकिन सपने में भी वही बड़बड़ा रहते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने संस्कारों के अनुसार ही स्वप्न देखता है। संस्कार किसको कहते हैं? कर्म का बीज जो चित्त में संग्रहित होता है उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात जो आपने, जैसे आज छिप करके बीड़ी पी ली, तो बीड़ी पीने का संस्कार आपके चित्त में बस गया, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आपके चित्त ने बीड़ी पीने की लीला को अखंड कर लिया, इसको कहते हैं संस्कार। अक्षर ब्रह्म की लीला क्या है? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करना, पल में असंख्य ब्रह्मांड बन जाएंगे, लेकिन वो कैसे बनते हैं? क्रियात्मक रूप कैसे होता है? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति से पहले राजी ने यह बात बताई है, एक संकेत दे दिया है, एक क्यूकर जिन जानो मन धनी जी लाए हैं धाम से वचन। प्रकट वाणी को कोई चौपाइयों की कविता वाली वाणी नहीं समझ लेना कि मिहिराज ने चौपाइयाँ बना बना करके लिख दी है। इसको किसने कहा है? कृपा करके कहे प्राणनाथ, सृष्टि जब से पैदा हुई है आज दिन तक कोई नहीं बता सका है, उस रहस्य से एक पर्दा उठने जा रहा है। स्वयं सृष्टि को बनाने वाले नारायण को भी इस रहस्य का पता नहीं कि सृष्टि कहाँ से पैदा होती है, कहाँ विलीन हो जाती है। संकेत में सब कुछ है, लेकिन उसका रहस्य कौन खोलेगा? जो स्वयं अक्षरातीत महामती जी के तन में विराजमान होकर प्रकट हुआ है। एक मंत्र आता है जिसका मैं अर्थ बता देता हूँ। उस मंत्र में कहा गया है कि यह सृष्टि कहाँ से पैदा हुई है, इसको हम कोई भी नहीं जानता। इसकी सृष्टि कहाँ से पैदा हुई है, कहाँ लय को प्राप्त होती है, केवल परमात्मा ही जानता है, अन्य कोई भी नहीं जानता। आप निजानंद साहित्य के अलावा संसार के सारे ग्रंथों को पढ़ जाइए, ये कोई नहीं बताएगा कि सृष्टि का मूल कहाँ से है, सृष्टि कहाँ से बनी, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, अहंकार नहीं रहेगा, महत्व तो नहीं रहेगा, कारण प्रकृति भी लय को प्राप्त हो जाएगी, तो कहाँ जाएगा? कोई भी उत्तर ना नहीं जानता। यम विशिष्ट यत आभूव यदि वा दधे यदि वा न। मैं बहुत ही सरल भाषा में सारी बातों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि सुंदर साथ को कठिनाई ना पड़े। आप जब जाते हैं संसार में, घूमते हैं, आपके मन में श्रद्धा तो है कि हमारी वाणी का ज्ञान संसार में सर्वोपरि है, लेकिन आप जब बाहर के संसार में निकलते हैं तो चारों तरफ एक चकाचौंध दिखाई देती है। जहाँ भागवत की कथा हो रही है, रामायण की कथा हो रही है, वहाँ लाखों लोग बैठे होते हैं और अपने जो वाणी की चर्चा होती है तो बहुत कुछ हजार बैठे होते हैं, कुछ सौ बैठे होते हैं, हमारे समाज में मंदिर भी सूने पड़े रहते हैं। तो इसमें वाणी का दोष नहीं है, दोष है हमारे समाज का। यदि आपके पास हीरों की बहुत बड़ी सेफ हो, हजारों हीरे पड़े हैं, लेकिन हीरों को तराशने नहीं आता, आपको बेचने नहीं आता, तो उसका मूल्य शीशे के टुकड़े के बराबर ही तो लगेगा। वैसे ही हमारा भी यही हाल है। हमने तारतम वाणी की गरिमा को नहीं समझा, हमने इस वाणी को संसार में प्रस्तुत कैसे किया जाए ये भी नहीं समझा। दूसरे लोगों ने गीता को बढ़िया से प्रस्तुत करना सीखा। स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, गीता के बहुत अच्छे व्याख्याकार हैं। रमेश ओझा जी हैं, भागवत की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। मुरारी बापू जी हैं, रामायण की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। इनकी सभाओं में देखिए लाखों की भीड़ लगती है। क्या कारण है कि हमारी वाणी को सुनने के लिए संसार नहीं आता? क्योंकि हमारे पास उस स्तर के विद्वान तैयार नहीं किए गए, और आज भी तो यही हो रहा है। सुंदर सुंदर मंदिरों को बनाने की होड़ तो लगी है,
विद्वान बनाने की होड़ नहीं लगती कि उस ज्ञान को संसार में फैलाएगा कैसे। आप देखिए मैं जो बात कह रहा हूं कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूं आपावीति, सीधे साधे शब्द हैं। और इन शब्दों की चोट किसको लगती है? उस विद्योदमन को सबसे पहले लगती है। विद्योदमन इतने बड़े विद्वान है, ज्ञानपीठ से विद्योदमनी ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। 300 वर्ष हो गए थे, आज तक इस ग्रंथ की टीका नहीं हो पाई थी, उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है। विद्योदमन ने अपने समय में जैसे एक चक्रवर्ती राजा चारों दिशाओं के राजाओं को जीत लेता है, विद्योदमन ने भी अपने समय में चारों दिशाओं के विद्वानों को नतमस्तक कर दिया था और अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं अवतार का स्वरूप हूँ, तुम मेरी आरती उतारो। उनकी पत्नी कहती है कि आप जाइए पन्ना जी में, प्राणा जी को हरा करके आइए, तो मैं समझूंगी कि आप में कोई अलौकिक शक्ति है। जब तक आप उनको ज्ञान से जीत नहीं लेते तब तक मैं आपकी बात नहीं मानने वाली हूँ, क्योंकि वो सुंदर साथ थी महिला, उनकी पत्नी। विद्योदमन बैलगाड़ी पर सारे ग्रंथों को लाद करके आते हैं। उस समय 7-8 साल की बच्चियां पन्ना जी के बाहर खेल रही होती है, श्री जी ने उनके सिर पर हाथ रख दिया होता है और वो केवल गा रही होती है, यही प्रगटवाणी, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूं अपावीति, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। सुन करके विद्योदमन नतमस्तक होते हैं कि मैंने बैलगाड़ी का जो बोझ रख रखा है, इतने ग्रंथों का बोझ बैलगाड़ी पर लाद रखा है, इससे मैंने केवल पुरुष और प्रकृति के बारे में जाना है। ये कह रही है कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूं अपावीति। वो चकरा गए, आकर के बिना किसी शास्त्रार्थ के श्री जी के चरणों में गिर पड़ते हैं कि इस ज्ञान को तो केवल परमात्मा के सिवा कोई बता ही नहीं सकता कि जहाँ पुरुष की सीमा समाप्त हो, पुरुष प्रकृति की सीमा हो समाप्त होती है, उसके परे क्या है। देखिए सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों का पठन पाठन चलता आ रहा है। ऋषि मुनि योगी यति समाधि लगाकर दिन रात स्वाध्याय करके ये सत्य को जानने का प्रयास करते रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है। इस सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है क्या है, जैसे मैं कहूं कि इस छत मंडप के नीचे बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है। मंडप में सूर्य तो नहीं दिख रहा है, सूर्य की गर्मी दिख रही है। क्या मंडप के एक एक थंबे के पास सूर्य खड़ा है? नहीं, सूर्य तो आकाश में है, लेकिन उसकी तपिस इस मंडप को अपने तप तेज से प्रकाशित कर रही है और हम सब सुंदर साथ इस तपिस में झुलस रहे हैं। वैसे ही आदि नारायण की सारी लीला चल रही है, क्षर जगत में किसकी लीला चल रही है? आदि नारायण के स्वप्न में सारी सृष्टि चल रही है, सारी दुनिया प्रतिबिंब को देख रही है, बिंब को नहीं देख रही है। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया, आप दर्पण में अपने को देख रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और आपको न देखे, दर्पण में आपके प्रतिबिंब को देखे तो समझ जाएगा। जैसे आपका नाम मोहन है, मोहन दर्पण के सामने खड़ा है, तीसरा व्यक्ति सोहन आता है तो प्रतिबिंब में मोहन के रूप को देखकर क्या समझता है? मोहन जी दिखाई दे रहे हैं, वो मोहन के असली रूप को नहीं दिखता। बस यही कहानी है। रामकृष्ण परमहंस बहुत ऊंचे स्तर के सिद्ध पुरुष हुए हैं, 6 माह तक वेद के निर्वीज समाधि में वो रह जाते हैं, लेकिन जानते हैं विवेकानंद को भी जो उन्होंने समाधि का अनुभव कराया, कहाँ तक का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? विवेकानंद को एक बार स्पर्श कर लिया था, विवेकानंद को लगा कि महाशून्य में सारी सृष्टि लय हो रही है, सारी वस्तुएं घूम रही हैं। एक बार का उन्होंने समाधि में अनुभव दिखा कि जो भी संसार की वस्तुएं प्रकाश से परिपूर्ण है और सारी सृष्टि उस महाशून्य में जो लीन होती जा रही है, तो उनको आभास हुआ कि ये प्रकृति है और ये पुरुष है। कहाँ तक का ज्ञान मिला? आदि नारायण
और उसके कारण प्रकृति का। लेकिन आदिनारायण कहाँ से प्रकट हुए हैं कोई नहीं जानता। सृष्टि का जब लय होगा तो आदिनारायण कहाँ जाएंगे ये भी दुनिया कोई नहीं जानती। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, संसार ये नहीं जानता। जैसे आप सब सुंदर साथ अधिकतर कृषक हैं, जानते हैं खेत में जब बीज बोया जाता है, चना आप बोते हैं, तो क्या होता है उसमें अंकुरण फूट जाता है। आपके पास प्रश्न होगा कि चना कहाँ से आ गया सृष्टि में, जब सृष्टि में कुछ था ही नहीं। जैसे गाय आप पालते हैं, आप तो सोचेंगे ना कि पहले गाय कहाँ से आ गई, पहले गाय का और सांड का जोड़ा था या ऐसे ही आकाश से कहीं टपक पड़ा, आप कहाँ से आ गए। जब सृष्टि में जो पहला पुरुष हुआ होगा कहीं से तो होगा। मैं आपको एक सरल दृष्टांत से समझाता हूँ। जैसे आपने ज्वेलरी की दुकान में जाकर के देखिए, शीशे के दर्पण की ऐसी सेटिंग की गई होती है कि एक ही व्यक्ति के कई दर्जन चित्र दिखने लगते हैं। जिधर आप घुसेंगे तो जिधर देखिए आपका ही रूप दिखेगा दर्जनों। उसी तरह से एक आदिनारायण का संकल्प होता है, क्योंकि अक्षर का संकल्प होता है, अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया सृष्टि बने, तो उनका वही संकल्प तो मन का संकल्प प्रकट होगा। और मन कैसे कार्य करेगा मैं आपको एक दृष्टांत से बताता हूं। जैसे किसी का स्वभाव बहुत शांत होता है, किसी का स्वभाव क्रोधी होता है, किसी का स्वभाव दिन रात काम करने का होता है। तीन तरह के स्वभाव होते हैं। किसी का प्रेममय स्वभाव होता है, किसी का वैराग्य वाला स्वभाव होता है, किसी का स्वभाव रसिक होता है। शरीर है, वह शरीर किसके अनुसार कार्य करता है, अपनी प्रकृति के अनुसार। स्वभाव और प्रकृति दोनों एक ही है। जैसे अभी इस दिशा से हवा बह रही है तो हिंदी में कह रहे हैं, क्या कहेंगे, पवन बहता है। दूसरा कहेंगे वायु बहती है। पवन बहता है और वायु बहती है, बात तो एक ही है लेकिन बात एक नहीं है। एक ही पदार्थ को कहा जा रहा है पवन भी, एक ही प्रकार पदार्थ को कहा जा रहा है वायु भी। एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है। देखिए यश फैल रहा है और कीर्ति फैल रही है, दोनों तो बात एक ही लगती है। नहीं, आपका नाम फैल रहा है तो इसको साहित्यिक भाषा में क्या कहेंगे, आपका यश फैल रहा है। दूसरे शब्दों में कहेंगे आपकी कीर्ति फैल रही है। लेकिन यश के अंदर बीज रूप से कीर्ति छिपी है। जैसे अहंकार के अंदर बीज रूप से क्या है, अस्मिता छिपी है। उसी तरह से स्वभाव के अंदर प्रकृति छिपी है। आप कोई भी कार्य अपने स्वभाव के अनुसार ही करेंगे। अच्छा यह बताइए, आपका स्वभाव पहले पैदा हुआ कि आप पहले पैदा हुए? आपका स्वभाव, आपका गुण जब आप हैं तब से आपका स्वभाव भी है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ। आप गन्ना खेतों में पैदा करते हैं, गुड़ खाते हैं, सब जानते हैं, बच्चे बूढ़े सब जानते हैं कि गुड़ कहाँ से बनता है, गन्ने से। पहले ये बताइए गुड़ पैदा हुआ कि गन्ना पैदा हुआ, अब क्या बताएंगे। जब से गन्ना है तभी से गुड़ है, छिपा हुआ उसके अंदर। उसी तरह से जो ब्रह्म है, ब्रह्म का जो स्वभाव है वही उसकी प्रकृति है। जो मूलतः जिसको सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं उसका स्वभाव क्या है, प्रेम और आनंद। अक्षर ब्रह्म का स्वभाव क्या है, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे, ये अक्षर ब्रह्म का स्वभाव है। मैंने अभी आपको बताया जब एक दर्जी या कपड़ा बेचने वाला दिन भर कपड़ा ही बेचता रहता है तो सपने में भी वो कपड़ा बेचता है, और कपड़ा बेचते बेचते अपना ही कपड़ा फाड़ डालता है। जैसे दिन रात चर्चनी के जो जान में डूबा रहता है, सपने में भी बड़बड़ाएगा तो चर्चनी की ही बातें लेकर बड़बड़ाएगा। बच्चों के जब पेपर होने वाले होते हैं तो सपने में भी उनको प्रश्न पत्र ही दिखते हैं, क्योंकि दिन भर वही सोचते रहते हैं। उसी तरह से
मनुष्य की चेतना अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती है। चेतना से स्वभाव को अलग नहीं किया जा सकता, द्रव्य से गुण को अलग नहीं किया जा सकता, गन्ने से गुड़ को अलग नहीं किया जा सकता और गुड़ से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता। नमक है तो नमक का जो खरापन है उसके साथ स्वभाव में ही है, मिश्री के साथ मिठास जुड़ी हुई है, जब तक मिश्री रहेगी तब तक मिठास को अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से चेतन ब्रह्म से चेतन प्रकृति, जो चेतन उसका स्वभाव है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा बताइए, श्यामा जी से आनंद को आप अलग कर सकते हैं? नहीं। राज्य से प्रेम को अलग कर सकते हैं? नहीं। अक्षर ब्रह्म से शिष्य रचना के गुण को अलग नहीं कर सकते। तो जो उनका गुण है वही स्वभाव है, वही प्रकृति है। अब रचना कैसे होगी, क्योंकि अक्षर का स्वरूप तो चेतन धाम में है, वहाँ कोई वस्तु नष्ट हो ही नहीं सकती। इसलिए जहाँ अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड प्रकृति के साथ अपने अखंड स्वभाव के अनुसार क्रीड़ा करते हैं, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाके इच्छा मूल प्रकृति, उनकी इच्छा को क्या कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई आती है, कई विध खेले यो प्रकृति आप अपनी इच्छा सो खेलत। क्रीड़ा मात्र से, जैसे सूर्य का कार्य है प्रकाश करना, चंद्रमा का कार्य है शीतलता करना, मिस्त्री का कार्य है मिठास देना, दीपक का कार्य है उजाला करना, उसी तरह से चेतन ब्रह्म की चेतन लीला होती है चेतन प्रकृति के साथ। जैसा वह है वैसी ही उसकी प्रकृति होगी। जैसे एक कसाई खाने में जो व्यक्ति प्रतिदिन दर्जनों जानवरों को काटता है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, क्रूरता का। और जो व्यक्ति एक चींटी को मारना भी पाप समझता है, उसका स्वभाव कैसे होगा, दया का होगा। उसी तरह से अखंड ब्रह्म जब अखंड प्रकृति के साथ क्रीड़ा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, योग माया का ब्रह्मांड की लीला। परम धाम में सच्चिदानंद परब्रह्म अपने हृदय में उमड़ने वाले प्रेम और आनंद जो उनका स्वभाव है, गुण है, अक्षरातीत का गुण दुख नहीं है, जड़ प्रकृति का गुण है असत जड़ और दुख, सत्व रज तम इसके तीनों गुण है और तीनों पदार्थ हैं। जैसे मिश्री आजकल आम में छोटे छोटे फल आ गए हैं, पुरुष तो कम, बहनों को ये खटाई खाने का ज़्यादा शौक होता है, ऐसा मैंने सुना है कि इधर का तो नहीं पता, कहीं कहीं पर जो नृत्य मंडलियाँ होती हैं उसमें पुरुष भी स्त्री का वेश धारण करके नृत्य वगैरह करते हैं, कई देश में कई मंडलियाँ हैं, उनके सामने ये जो आम का जो ये छोटे छोटे जो फल लगे होते हैं वो गुच्छे को ले जाकर के आप दूर से दिखा दीजिए, नाचने वाला नृत्य ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी खटास से उसकी जीवा पर लार आ जाएगी और वो तो कहेगा या तो मुझे दे दो नहीं तो मंच छोड़ करके भाग जाएगा। आप सोचिए, आम के छोटे से फल की खटास ने देखने मात्र से उसको विचलित कर दिया। तो एक कारण कहाँ है कि जहाँ आम का छोटा फल है उसके साथ उसका गुण भी दिख रहा है, बताया नहीं गया, वो अनुभूत करता है। उसी तरह से आप समझिए, सृष्टि को बनाने का जो अक्षर के अंदर जो मूल गुण है, सत्य की सृष्टि, सत्य की लीला योग माया के ब्रह्मांड में हो रही है। योग माया क्यों कहते हैं, जहाँ अखंड ब्रह्म अपनी अखंड शक्ति के साथ क्रीड़ा कर रहा हो उसको कहते हैं योग माया। और ये क्या है, काल माया, स्वप्नमयी माया। काल माया क्यों कहते हैं कि यहाँ की हर वस्तु जब बनी है तो लय को प्राप्त हो जाएगी। वही बात, जो एक जागृत अवस्था में एक व्यक्ति कपड़े बेच रहा था तो सही माप देख करके बेच रहा था, निद्रा में जब होता है तो स्वप्न में ही कपड़े को फाड़ डालता है। अक्षर ब्रह्म का मन इस त्रिगुणात्मक जगत का भाव लेता है तो उसी की चेतना अनंत प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होने लगती है, उसका स्वभाव प्रकृति के रूप में दिखने लगता है और कणकण में उसकी सत्ता दृष्टिगोचर होने लगती है। सबने परमात्मा के गुणों के बारे में पढ़ा है,
परमात्मा दयालु है, परमात्मा कृपालु है, परमात्मा सारे जगत की उत्पत्ति करता है, प्रेम और आनंद का स्वरूप है। लेकिन ये सारे लक्षण सारे विद्वान किसको मान लेते हैं? आदि नारायण को, क्योंकि आदि नारायण और प्रकृति से परे उन्होंने कुछ जाना ही नहीं है। जो अक्षर की पंचवासनाएं निराकार को पार करके बेहद मंडल में पहुंचती है, उनके लिए श्री जी कहते हैं, पुरुष प्रकृति उलंघ के गए जाए अखंड सुखमय रहे। अन्यथा संसार में कोई भी व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि पुरुष प्रकृति ये स्वप्नवत हैं, और जब तक स्वप्न चल रहा है तब तक वह बहुत बड़ा दिखता है। स्वप्न कितने पल का होता है? जैसे आप सपना देखेंगे 1-2 मिनट, ज़्यादा सपना नहीं देखते हैं, लेकिन आप पुरुष में हजारों वर्षों का दृश्य देख सकते हैं। आप सोचते हो ना कि कैसे स्वप्न है कि एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बन जाए, वो हमारे ही तरह ही होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में सपना देख रहे हैं, वो बचपन में बचपन का रूप दिखता है, युवा होता है, फिर वृद्ध होता है, मर भी जाता है, उसके सारे जीवन के 100 वर्षों का दृश्य आप 1 मिनट के सपने में देख लेते हैं। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म का मन जो अव्याकृत है, स्वप्न में स्वयं को नारायण के रूप में प्रकट होता है। नारायण के रूप में सोचता है, क्या है? मैं अक्षर हूँ। तो अक्षर ब्रह्म का वाचक नाम क्या है? ओम। ओंकार के द्वारा अक्षर ब्रह्म को संबोधित किया जाता है, तो उसका प्रतिबिंबित रूप क्या होगा? वह भी ओम ही कहलाएगा। इसलिए योग दर्शन में जिस कैवल्य पाद का वर्णन है, उस कैवल्य पाद में को भी प्राप्त करने के बाद मुक्ति का सुख कहाँ मिलता है? इस प्रकृति मंडल के अंदर ही। इसलिए चाहे कोई वेद का कितना भी बड़ा विद्वान हो, हिमालय का कितना भी बड़ा योगी हो, वो क्या मानेगा? यह सृष्टि अनंत है। जैसे अभी कल के प्रवचन में मैंने बोला था कि यह जो हमारी आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में 100 अरब सूर्य हैं, नक्षत्र, हमारा सूर्य जैसे। हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है यह सूर्य, 14,98,00,000 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप सोचिए 100 अरब सूर्यों की आकाश गंगा कितनी होगी? ये तो एक आकाश गंगा का परिमाण है। और जानते हैं आज तक वैज्ञानिकों को कितनी आकाश गंगाओं का पता चला है? 1 अरब आकाश गंगा है, मतलब 100 करोड़ आकाश गंगाओं का पता चला है। 100 अरब सूर्य इस आकाश गंगा में रहते हैं। हम एक छोटे से भारत देश में रहते हैं, जिसमें एक छोटा सा दाहोद एक जिला है, हम कहाँ तक बुद्धि दौड़ा सकते हैं? इसलिए संसार का कोई भी मनीषी कहाँ तक सोचता है कि जहाँ तक प्रकृति है, प्रकृति का क्षेत्र अनंत है। और बात सच है, इस आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में जाते हैं कितना समय लगेगा? 1 लाख प्रकाश वर्ष समय लगेगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गमन करेंगे तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख प्रकाश वर्ष लग जाएगा। ऐसा संसार में कोई भी मनुष्य पैदा नहीं हुआ जो प्रकृति का विस्तार बता दे, तो क्या कहेगी दुनिया? जब परमात्मा सबके कर्मों का फल दे रहा है, तो बड़े से बड़े विद्वान मानेगा तो किसी शिष्ट के कणकण में परमात्मा समाया हुआ है, उसका भी दोष नहीं है, अपनी जगह पर वह सही कर रहा है। जो निर्विज समाधि को प्राप्त करते हैं, इस अनंत सृष्टि में भ्रमण करते हैं, और उसका प्रतिबिंब जो नारायण का सुख है वो उसको प्राप्त होता है। जैसे मैं अभी आपको दृष्टांत दूं, आकाश में जो सूर्य चमक रहा है उसको आप देख रहे हैं? नहीं, लेकिन सूर्य के प्रकाश को तो आप देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? अभी सूरज उगा हुआ है। उसी तरह से सृष्टि में जो बड़े से बड़ा योगी होगा, वो ओंकार का स्वरूप देखेगा। ओंकार का वही स्वरूप है जो आदि नारायण का है, और वही स्वरूप अव्याकृत का भी है। अव्याकृत क्या है? अक्षर का मन है। तो जिस तरह से इस मंडप के अंदर आपको सूर्य की तपिस का भी अनुभव हो रहा है, गर्मी का भी अनुभव हो रहा है, और आप दृढ़ता से कहते हैं कि सूरज उगा हुआ है, दोपहर का समय है, उसी तरह से जब ऋषि लोग समाधिस्थ होते थे तो देखते देखिए अनंत प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। सृष्टि का कार्यभार किसी अलौकिक सत्ता के द्वारा होता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। इसलिए इस पुरुष प्रकृति से परे कोई आज तक नहीं हो पाया अक्षर की पंचवासनाओं के अतिरिक्त। अक्षर की पंचवासनाओं के संबंध में जो भी योगी रहे वे तो पार हो गए, लेकिन आपको यह सोचना होगा कि हमें परम धाम का वह ज्ञान मिला है
जिस बेहद के बारे में कोई जान नहीं पाया था, वाणी क्या कहती है, इस प्रकट वाणी से पहले एक बेहद वाणी आती है जिसके प्रारंभ में कहा गया है, बेहद के साथ ही सुनो बोली बेहद पानी, बड़ी बड़ी रे हो गई पर कहूँ न लखानी। आप आदि आजकल जाइए, संसार में घूमिए, जो बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, उनके बारे में उनसे पूछिए, आप सच्चिदानंद परमात्मा के बारे में बताएंगे तो क्या कहेंगे, अरे अरे बेटे तुम नमो नारायण, नमो नारायणाय का जप करो, देखो नारायण ही सब कुछ है। उनसे यदि आपने प्रश्न कर दिया कि नारायण तो मोहसागर में है और महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाएंगे तो वो भी चकरा जाएंगे। पुराण संहिता में एक श्लोक आता है, स्वप्न अवस्था विनाश स्यात् कुतः नारायणो तथा, जब इस स्वप्न अवस्था का विनाश हो जाएगा तो नारायण कहाँ रहेंगे, मोह तत्व नहीं रहेगा। अब जब वो बालिकाएं जब बोल रही हैं कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूँ आपा बीती निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाके इच्छा मूल प्रकृति, तो आप सोचिए एक चौपाई में कितना ज्ञान दिया गया जो शिष्ट के प्रारंभ से नहीं है। अभी सागर श्रृंगार का वर्णन नहीं हुआ है, खिलवत परिक्रमा का वर्णन नहीं हुआ है, तारतम वाणी के रूप में अक्षरातीत ने हमारे लिए हृदय ही खोल कर रख दिया है। लेकिन हमारे समाज का दुर्भाग्य है, सोने के सिंहासन बन सकते हैं, कलश बन सकते हैं, करोड़ों करोड़ों के बजट वाले मंदिर बन सकते हैं, लेकिन विद्वान नहीं बन सकते हैं, हमारे समाज का यही दुर्भाग्य है। जब आप ज्ञान का प्रकाश ही नहीं फैलाएंगे तो आपके हीरे कौड़ियों के दाम बेचे जाएंगे। संसार तो उगते सूरज को प्रणाम करता है, डूबते सूरज को कोई नहीं प्रणाम करता। आपका ज्ञान वाणी में ही छिपा रह जाएगा यदि आप मंदिरों की चार दीवारी से बाहर नहीं निकले, वाणी के ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलाए तो इस संसार तो एक कर्म भूमि है। भले ही आप परम धाम की ब्रह्मात्मा हो, संसार के सामने यदि आप अक्षरातीत की वाणी को प्रस्तुत नहीं कर सके तो संसार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि संसार तो नींद से पैदा हुआ है। इसलिए आवश्यकता यह है कि सुंदर सार तारतम वाणी की गरिमा को पहचाने। आजकल तो भागवत की कथाओं की होड़ मची हुई है, कुछ श्लोक रट लिए जाते हैं, कुछ किस्सा कहानियाँ रट लिए जाते हैं, कुछ भजन याद कर लिए जाते हैं, उसी को गाया जाता है, झांकियाँ दिखाई जाती हैं और परम धाम की इस वाणी से मुख मोड़ लिया जाता है। यह ठीक है कि यह वाणी हिंदुस्तानी भाषा में है, लेकिन जिसने वाणी के ज्ञान में डुबकी लगाई है, वेदों से उपनिषदों से दर्शन शास्त्रों से जिसने साक्षियों को समझा है, अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुना है, राज्य की प्रेरणा को सुना है, वह जानता है कि ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आयांग सोने नेचे वासना ताको करूं जी भेले संग, वह जानता है कि अक्षरातीत के हृदय से प्रकट हुई इस ब्रह्मवाणी के एक एक चौपाई में ज्ञान का एक सागर भरा पड़ा है। आवश्यकता यह है कि हमारा समाज इस सत्य को जाने और समय रहते उस सत्य की पहचान करे, तारतम वाणी का प्रकाश फैलाए जिससे सभी परम सत्य को समझ सके और सबका कल्याण हो सके। आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ वाणी की महिमा को समझेंगे, और गुजरात का ये दाहोद का क्षेत्र तो वाणी की महिमा को समझता है। अन्यथा 100 दिन की यात्रा में मैंने देखा गुजरात के इस क्षेत्र में और MP के कुछ क्षेत्रों में जो भीड़ थी वह भीड़ कहीं भी देखने को नहीं मिली। राजी ऐसे ही कृपा करते रहें कि जो दाहोद के सुंदर साथ में वाणी चर्चा को सुनने की तड़प है, वही तड़प सारे देश में फैले, सारे संसार में फैले, ताकि ज्ञान का प्रकाश फैले और सारी मानव जाति का कल्याण। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।